नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रंजन और आज हम देखने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कंटेंट में है, रसिया और यूएस ने एक पार्टनरशिप की है जिसमें वो फर्स्ट एवर स्पेस स्टेशन बनाएंगे मून के करीब, यानी कि चंद्रमा के करीब एक स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा जो कि पहला हुआ। अगला न्यूज़ है, साइंटिस्ट डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव फॉर द फोर्थ टाइम, यानी कि साइंटिस्टों द्वारा जो ग्रेविटेशनल वेव है उसका चौथी बार डिटेक्ट किया गया है, तो उससे रिलेटेड देखेंगे। इसके अलावा इंडिया रैंक्स थर्ड इन न्यूक्लियर पावर इंस्टॉलेशन, की जो न्यूक्लियर पावर इंस्टॉलेशन है उसमें इंडिया की रैंक्स तीसरी रही है, तो उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले न्यूज़, रसिया और यूएस में जो पार्टनरशिप की गई है जिसमें वो मून के करीब फर्स्ट स्पेस स्टेशन बनाएंगे, तो उसको देखते हैं। इसमें क्या है, रसिया की जो स्पेस एजेंसी है यानी कि रोस्कोमोस और जो यूएस की स्पेस एजेंसी है नासा, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है जिसके अंतर्गत वो एक डीप स्पेस गेटवे बनाएंगे। डीप स्पेस गेटवे यानी कि जो जो ये स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है चंद्रमा के चारों तरफ, जो चंद्रमा के अराउंड काम करेगा, तो एक वो डीप स्पेस गेटवे के रूप में भी काम करेगा, क्योंकि चूँकि चंद्रमा के आसपास डीप स्पेस गेटवे शुरू हो जाता है करेगा, तो उसके रिलेटेड रहेगा। और जो स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा वो फर्स्ट एवर एस्ट्रोनॉटेड स्पेस स्टेशन रहेगा, यानी कि जो स्पेस स्टेशन इंडिया के आसपास रहता है उसमें एस्ट्रोनॉटेड तो एस्ट्रोनॉट रहते हैं, लेकिन जो जो स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है वो चंद्रमा के करीब रहेगा और उसमें एस्ट्रोनॉट रहेंगे। तो इस तरीके से वो डीप स्पेस गेटवे के रूप में काम करेगा, हमारे लिए रिप्रेजेंट करेगा, तो इसे हम डीप स्पेस गेटवे कह सकते हैं। तो हम इसमें नासा भी शामिल है, तो हम नासा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नासा की स्थापना 1958 में की गई थी। इसके अलावा जो नासा की फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगली न्यूज़ देखते हैं, साइंटिस्ट डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स फॉर द फोर्थ टाइम, यानी कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उसको चौथी बार डिटेक्ट किया गया है। तो किसकी सहायता से किया गया है, तो यूएस ने एक ऑब्जर्वेटरी बनाई थी जिसको लेज़र इनफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी बनाई थी, जिसका ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करना ही काम है। तो उसने लीगो, जिसका शॉर्ट फॉर्म लीगो है, उसने ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया है। तो जो ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया गया है वो ग्रेविटेशनल वेव्स जो मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं कि दो मैसिव ब्लैक होल्स के मर्जर, यानी कि एक होने टकराने और उनके एक होने से जो ग्रेविटेशनल वेव्स निकली हैं उनको डिटेक्ट किया गया है। तो हम देख लेते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं। तो ग्रेविटेशनल वेव्स सबसे पहले देखते हैं क्या होती हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल वेव्स आर द रिपल्स कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम विच प्रोपोगेट एज वेव्स ट्रेवलिंग आउटवर्ड फ्रॉम सोर्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो जो ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं, तो जो स्पेस टाइम है उसके कर्वेचर में घूमती रहती हैं, मतलब हमेशा घूमती रहती हैं और एज इन वेव्स के रूप में प्रोपोगेट करती हैं, बहती हैं, और जो सोर्स होता है उसको उसके आउटवर्ड निकलती हैं, उसकी बाहरी तरफ निकलती हैं एट ए स्पीड ऑफ लाइट के रूप में ट्रेवल करती हैं। और इसमें चूँकि इनमें एनर्जी होती है, तो एज इन हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती हैं और ग्रेविटेशनल रेडिएशन के रूप में एनर्जी को लेके जाती हैं, और ये मैटर से निकल सकती हैं विदाउट इंटरेक्टिंग हिम। तो जैसे कि अगर किसी भी तरीके मैटर अगर पृथ्वी से निकलेंगी तो जो पृथ्वी के आर पार हो जाएंगी उनको किसी भी मैटर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा ग्रेविटेशनल वेव से। बैकग्राउंड में अगर हम थोड़ा सा देखें तो ग्रेविटेशनल वेव को जो पहली बार डिटेक्ट किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1916 में, और उनकी जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया था। जो ग्रेविटेशनल वेव्स के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि जो एनजीमेटिक ऑब्जेक्ट होते हैं, ये काफ़ी विशाल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें काफ़ी ताकत रहती है, जैसे कि ब्लैक होल हैं, सुपरनोवा हैं, न्यूट्रॉन स्टार हैं, बिग बैंग हैं, तो इन सब से जो ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स होते हैं ग्रेविटेशनल वेव के। बट वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा ग्रेविटेशनल वेव से, तो ग्रेविटेशनल वेव में चूँकि हमने देखा कि वो स्पेस टाइम में बहती रहती हैं, तो जो ग्रेविटेशनल वेव्स को अगर हम डिटेक्ट करेंगे और उनसे इंफॉर्मेशन अगर एक्सट्रैक्ट की जाएगी तो जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी तो उससे हम जो हमारे अनसॉल्व क्वेश्चन हैं और जो मिस्ट्रीज हैं स्पेस की, पूरे स्पेस की और एस्ट्रोनॉमी की, उसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। हम देखते हैं नोट में, तो ग्रेविटेशन वेव से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है
दो साइंटिस्ट थे, रसल हसल एंड जोसेफ टेलर। उन्होंने जब 1974 में उन्होंने एक काम किया था, उन्होंने एक वर्क किया, उन्होंने चूँकि उस समय डायरेक्ट एविडेंस प्राप्त करना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, तो इसलिए उन्होंने एक इनडायरेक्ट तरीका निकाला जिससे जो ग्रेविटेशनल वेव्स है उसका इनडायरेक्ट एविडेंस वो डिस्कवर कर सकें। और जो ग्रेविटेशनल वेव्स उन्होंने डिडक्ट की थी वो एक बाइनरी पल्सर होती है, यानी कि जो दो स्टार जिसमें एक स्टार एक दूसरे स्टार के चक्कर लगाता है, उस स्टार की उस बाइनरी पल्सर सिस्टम में जब टिकिंग ऑर्बिटल पीरियड चालू होता है, यानी कि जो जिस स्टार जो चक्कर लगा रहा है दूसरे स्टार के, उसका जो ऑर्बिट है वो कम हो रहा है धीरे धीरे, तो उस दौरान उस जो ऑर्बिट के कम होने के कारण जो उसमें से ग्रेविटेशनल वेव्स निकल रही थी, उनको 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 डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक इनडायरेक्ट एविडेंस तरीका फाइंड किया था। और उस जो इनडायरेक्ट एविडेंस फाइंड करने की मेथड थी, उस मेथड के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था, नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 1993 में, 1993 में। तो इसकी तरीके से अगली जो न्यूज़ है उसको देखते हैं। इंडिया रैंक्स थर्ड इन न्यूक्लियर पावर इंस्टॉलेशन, यानी कि न्यूक्लियर पावर इंस्टॉलेशन में इंडिया की थर्ड रैंक रखी गई है। ये सर्वे किसके द्वारा किया गया था, तो वर्ल्ड न्यूक्लियर इंडस्ट्री स्टेटस के द्वारा ये सर्वे किया गया था सितंबर 2017 में, जिसमें इंडिया को तीसरी रैंक मिली है पूरे विश्व में। और किसके साथ, इंडिया के पास सिक्स्थ इंस्टॉल न्यूक्लियर रिएक्टर थे, यानी कि भारत के पास इस समय सिक्स्थ न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंस्टॉल्ड हैं। इसमें अगर हम थोड़ा सा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड ट्रेंड्स देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो ट्रेंड्स उभर के आता है वो है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के नंबर में लगातार 4 सालों से कमी आ रही है, यानी कि पूरी दुनिया का रुझान इसकी इससे हट चुका है, यानी कि पूरे देश इस न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं और अपने वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन प्लांट को बंद कर रहे हैं धीरे धीरे देखा जाए तो। और अभी 2017 में यानी कि करीब 53 रिएक्टर्स थे पूरे विश्व में, जिसमें से 6 इंडिया के पास हैं, तो इसी कारण इंडिया की रैंक थर्ड नंबर पे है न्यूक्लियर पावर इंस्टॉलेशन में। और न्यूक्लियर पावर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जो भी काम है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी संभालता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है वो डिपार्टमेंट है, और जिसे डायरेक्टली किसके हेडेड किया जाता है, बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो उसके डायरेक्टली अंतर्गत आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी कि किसी भी तरह की इंडस्ट्री के अंतर्गत, ये मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है ये। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई में स्थापित है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, और इसकी जो सेक्रेटरी अभी है वो हैं डॉक्टर शेखर बसु, और जो इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं यानी कि वो हैं मिनिस्टर मिस्टर जितेंद्र सिंह सिंह मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसी भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता, इसे डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंतर्गत रखा गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पे यह वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।